नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। कल आपने जहानगंज कोल्ड स्टोर की रिपोर्ट देखी और कोशिश करेंगे कल आपको मैं कमालगंज किसी कोल्ड स्टोर की रिपोर्ट दिखाऊं। तो ऐसे ही धीरे धीरे मतलब बीच बीच में किसी न किसी कोल्ड स्टोर की रिपोर्ट भी दिखाता रहूंगा, तो वहां पे कैसे खरीद और बिक्री होती है उसके बारे में भी आपको अवगत करा दूंगा। और अब करते हैं भाव की बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद में भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, भाव सेम है। पुखराज 1200 से 1250 रुपया पैकेट और ख्याति 1250 से लेके 1275 रुपये पैकेट, 3797 1250 से लेके 1300 रुपये पैकेट और चिप्सोना 1275 से लेके 1325 रुपया पैकेट और हाईलैंड जो है 1300 से लेके 1450 रुपये पैकेट, मतलब 1425 रुपये पैकेट। और बीजा जो आमतौर पे बिक रहा है ख्याति का, वो बिक रहा है 1400 से 1500 रुपया पैकेट। पुखराज का भी बीजा लगभग इसी रेंज में है, 1400 से 1500 रुपया पैकेट। लेकिन पुखराज का अगर अच्छा बीजा होगा, बहुत अच्छा बीजा होगा, तो 1500 पैकेट से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बीजा मैंने आपको बताया था कि कितनी बार का किया हुआ है वो मेंशन करता है। तो ये 1400-1500 रुपये पैकेट में जो है आमतौर पर बीजा है, उसका ये नहीं है ये कितनी बार का बीजा है, वो बीजा है बस। और अब बात करते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज की भी मंडी सेम रही है आपकी। चिप्सोना बिका है 1200 से लेके 1250 रुपया पैकेट और सिंदूरी बिका है आपका, सिंदूरी और हाईलैंड बिका है 1300 से लेके 1350 रुपया पैकेट। और इसमें कोल्ड का भाड़ा जो है एक्स्ट्रा होगा, जैसे कल आपने जहानगंज में देखा। फर्रुखाबाद में जो है कोल्ड का भाड़ा इंक्लूड करके बिकता है और जहानगंज में कल आपने देखा, तो वहां भी ऐसा ही सिस्टम है जैसा कन्नौज में सिस्टम है कि आलू का कॉस्ट जो है और प्लस जो है कोल्ड का भाड़ा जो है, तो मतलब 115 रुपये जहानगंज में कोल्ड का भाड़ा लग रहा है, तो आपकी जो भी आलू की प्राइस होगी उसमें 115 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और तो वही सेम कन्नौज में भी जो है, जो मैं प्राइस बता रहा हूँ इसमें जो है 115 और 20 जो भी वहां पे भाड़ा लगता होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में आमदनी रही है आज 30 से 35 गाड़ी की और भाव ख्याति पुखराज के 950 रुपए से लेके 1000 रुपए पैकेट, 1000 रुपए मन सॉरी, और 3797 1000 से लेके 1035 रुपए मन, और चिप्सोना जो है 1000 से लेके 1050 रुपए मन, हाईलैंड और सिंदूरी जो है वो 1100 से लेके 1135 रुपए मन बिके हैं। और प्याज की आमदनी रही है यहाँ पे 25 से 30 गाड़ी और प्याज के रेट में आज थोड़ी सी गिरावट आई है। प्याज बिका है यहाँ पे 950 रुपए से लेके 1025 रुपया मन। यहाँ पे आलू और प्याज दोनों ही चीजें मन से बिकती हैं और मन जो है 40 किलो का होता है। और अब बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में कई दिनों से इलाहाबाद का भाव नहीं मिला था, तो इलाहाबाद में G4 आलू बिक रहा है 3100 से लेके 3200 रुपया कोंतल, और हाईलैंड बिका है 2900 से लेके 3000 रुपया कोंतल, और गोला आलू बिका है आपका 2500 से लेके 2600 रुपया कोंतल। और यहीं पे बात कर लेते हैं बनारस की, तो बनारस में 3797 बिका है आपका 2500 से लेके 2650 रुपया कोंतल और थाईलैंड भी का 2800 से लेके 2900 रुपया कोंतल। अब बात करते हैं आगरा की, तो आगरा 3797 बिका है आपका 1200 से लेके 1350 रुपया पैकेट। यहाँ पे भी भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं है। एक्स्ट्रा सुपर आलू जो है वो 1350 से लेके 1400 रुपया पैकेट बिके हैं और गुल्ला भी का है आपका 1100 से लेके 1200 रुपया पैकेट, और छर्री जो है वो किर्री जिसको बोलते हैं वो किर्री भी की है आपकी 950 रुपए से लेके 1050 रुपया पैकेट। और यही भाव रहे हैं आपके टोंडला, हाथरस, फिरोजाबाद, सिरसागंज, अलीगढ़ और इटावा, 10-5 रुपए के डिफरेंस से यही भाव रहते हैं। अभी बाराबंकी से भी आज भाव मिला है, तो बाराबंकी में जो भाव बताया गया है वो सिंदूरी आलू का 1300 रुपये, 1300 से लेके 1315 रुपए पैकेट का भाव रहा है। और संभल में जो भाव मिला है, संभल से पुखराज आपका 2200 से लेके 2300 रुपया कोंतल, चिप्सोना 2300 से लेके 2400 रुपया कोंतल, और सूर्या जो है वो 2450 से लेके 2525 रुपया कोंतल बिका है। और बात करते हैं बदायूं की, तो बदायूं में चिप्सोना बिका है आपका 1200 से लेके 1250 रुपया पैकेट,
और सूर्या भी का है 1300 से लेके 1350 रुपया पैकेट। बात करते हैं शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में चिप्सोना आज भी का है 1180 रुपये पैकेट के आसपास, और यहाँ पे पैकेट जो है 45 किलो का होता है, और इसका पैकेट का वजन मिलेगा 45 किलो। और इसी के साथ बात करते हैं बरेली की, तो बरेली में चिप्सोना बिका है आपका 1275 रुपये पैकेट के आसपास, और यहाँ पे पैकेट का वजन होता है 50 किलो। शाहजहांपुर में पैकेट का वजन है 45 किलो, और यहाँ पे बरेली में वजन है पैकेट का 50 किलो। और यहाँ पे चिप्सोना आलू की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, चिप्सोना और सचिन सत्तानवे की। बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड रुद्रपुर की, उत्तराखंड रुद्रपुर का भी भाव कई दिन से मिस हुआ था, तो आज मिला है उत्तराखंड रुद्रपुर का भाव, तो 3797 बिका है यहाँ पे 2600 से लेकर 2700 रुपया कुंतल, और चिप्सोना बिका है 2700 से लेकर 2800 रुपया कुंतल, और यहाँ पे गुल्ला बिका है 2200 से लेके 2300 रुपया कुंतल। ये गुल्ला मतलब 3797 या इसका चिप्सोना का गुल्ला होगा। अगर पुखराज का गुल्ला है, पुखराज का गुल्ला 2600 से लेके 2700 रुपया कुंतल है, क्योंकि पुखराज की डिमांड इस टाइम पे ज्यादा है, पुखराज का गुल्ला और गुल्ली जो है वो सब बीज में जा रहा है। तो और यहीं पे प्याज के भाव रहे हैं, एमपी से जो प्याज का एमपी वाला जो प्याज है वो रहा है 2800 से लेके 2900 रुपया कुंतल बढ़िया वाला प्याज, और नासिक वाला जो प्याज है वो 2800 से लेके 3000 रुपये कुंतल रहा है बढ़िया वाला प्याज, और निवल प्याज जो है वो इससे कम रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली आजादपुर में 3797 और चिप्सोना बिका है 1300 से लेके 1350 रुपया पैकेट, और सूर्या बिका है यहाँ पे 1400 से लेके 1500 रुपया पैकेट। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब से आज बड़ी खबर मिली है कि ज्योति आलू वहां पे बिका है आज 1400 से लेके 1450 रुपया पैकेट, तो और वहां से ज्योति आलू का ही भाव मिला है आज, और ज्योति आलू के भाव ये कम से कम 200 रुपये बढ़े हुए हैं। पहले का जो भाव जो पिछले वीडियो में भाव बताया था वो बताया था 1150 से लेके 1200 रुपया पैकेट, लेकिन आज जो भाव मिला है वो मिला है 1400 से लेके 1450 रुपया पैकेट का भाव मिला है, और ये मतलब कपूरथला मंडी के रेट हैं ये। और अब बात करते हैं जयपुर, सॉरी जयपुर का आज भाव नहीं मिला है, और बात करते हैं इंदौर एमपी की, तो इंदौर में ज्योति आपका बिका है 2700 से लेकर 2800 रुपया कुंतल, एलआर बिका है आपका 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल, और चिप्सोना बिका है 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल, और प्याज बिका है आपका 2000 से लेके 2500 रुपया कुंतल। अहमदाबाद गुजरात से भाव मिला है आज, तो यहाँ पे पुखराज आलू बिका है आपका 400 से लेके 470 रुपया मन, और बादशाह जो है वो बिका है 480 से लेके 500 रुपया मन, और यहाँ पर मन जो है वो 20 किलो का होता है, और ये जो मैंने रेट बताए हैं ये 20 किलो के हिसाब से रेट हैं। बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में आमदनी रही है आज 30 से 32 गाड़ी, और भाव में थोड़ी सी रैटली गिरावट आई है, और भाव जो रहा है वो 2500 से लेके 2950 रुपया कुंतल, तो वहां पे निवल आलू बिके हैं आपके 2500 से लेके 2600 रुपया कुंतल, मीडियम आलू बिके 2600 से लेके 2800 रुपया कुंतल, और 3797 बढ़िया आलू जो है वो बिका है 2800 से लेके 2900 रुपया कुंतल। बिहार से भी आज भाव मिला है, एक जगह से समस्तीपुर से भाव मिला है, C40 आलू बिका है 2900 से लेके 3000 रुपये कुंतल बिका है, और काफी दिन से यहाँ पे यही भाव रुका हुआ है। और गुलाब बाग से आज भाव नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर बताया गया वहां पे काफी सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसलिए भाव मिल नहीं पाया और मंडी को जा नहीं पाए। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में आज 4 जगह से ही भाव मिला है, सिंगूर बोईची वर्धमान खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर। आज कुछ जगह की मंडियां शायद बंद जैसी हैं, वहां पे किसी वो विश्वकर्मा पूजा की वजह से, शायद विश्वकर्मा पूजा तो कल थी लेकिन कुछ मंडियां एक दो बंद हैं, तो ये 4 मंडियों से भाव मिला है, तो यहाँ की मंडी में कोई तब्दीली नहीं आई है, सेम भाव है। सिंगूर रहा है आपका सिंगूर में 1400 से लेके 1420 रुपया पैकेट, और बोईची में 1320 रुपये से लेके 1380 रुपया पैकेट, और बर्धमान में 1370 रुपये से लेके 1380 रुपया पैकेट, और खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर में यहाँ पे थोड़ा सा भाव बढ़ा है, यहाँ पे बिका है 1310 रुपये से लेके 1315 रुपया पैकेट।
पैकेट। और आसाम डिब्रूगढ़ से भाव मिला है, तो आसाम डिब्रूगढ़ की मंडी आज कम से कम 100 रुपए बढ़ी है। तो आसाम डिब्रूगढ़ में आज जो आलू है वो बिका है 3,000 से लेके 3,100 रुपया कुंतल। और पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, परसों के दिन शायद वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था 2900 से लेके 2950 रुपया कुंतल, लेकिन ये आज जो है वहां पे भाव मिला है वो 3,000 से लेके 3100 रुपया कुंतल। तो ये थे भाव जो मुझे अभी तक मिले थे। और बाकी आप लोगों को जिन मंडियों के भाव पता हैं, अगर आपको मतलब वो भाव मिले हैं तो कृपया कमेंट में अपडेट करें, ताकि बाकी लोग भी जो है उस भाव से अपडेट हो जाएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी क्वेरी है तो कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। धन्यवाद।